नमस्कार दोस्तों, इन्फो शिक्षा चैनल के सांख्यिकी लेक्चर में एक बार दोबारा हम उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम मीन से संबंधित जितने पॉइंट हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस हमने किया हुआ है, आज मीन के टॉपिक को खत्म करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज पे जितना भी डिस्कशन हुआ है, सभी इंडिविजुअल सीरीज, वेटेड अरिथमेटिक मीन, इन सब पे डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, यदि दे दिया जाए तो इनका इन ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से हम हल करेंगे। क्योंकि जब हम पहला चैप्टर सांख्यिकी का डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने तीन सीरीज का जिक्र किया था, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज पे हमने बहुत सारा डिस्कशन किया। अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले एक डिस्क्रीट सीरीज पे क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया है, उसी पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है और एफ दिया गया है, एक जगह पदों को दिया गया है और दूसरे टेबल में फ्रीक्वेंसी को दिया गया है। ये क्वेश्चन में ऐसे ऐसे भी दे सकता है, वर्टिकल, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल, दोनों तरीके से हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे बना दे कि यहां एक्स कर दे, यहां एफ कर दे, इस तरीके से दे दिया जाए। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आप डिस्क्रीट सीरीज का डिस्कशन देखे होंगे पिछले लेक्चर्स में, तो वहां पे इसका मतलब क्या है। यहां जो है, मान लीजिए थ्री पद लिखा गया, थ्री की फ्रीक्वेंसी दो बार है, इसका मतलब तीन जो है दो बार लिखा जाएगा। अगर चार की फ्रीक्वेंसी चार है, इसका मतलब इस सीरीज में ऐसे फोर 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 ये आएगा। ऐसे अगर पांच की फ्रीक्वेंसी दो बार है, तो पांच जो है कितनी बार लिखा जाएगा, दो बार। इस तरीके से अगर हम इसको ऐसे ओपन तरीके से लिख दे, इसका मतलब ये हमारा कौन सी सीरीज बन जाएगी, इंडिविजुअल सीरीज। और इंडिविजुअल सीरीज के लिए जो मीन का फार्मूला है वो क्या है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन इस सीरीज के लिए फार्मूला कैसे निकलेगा, पहले हम इसमें देख लेते हैं कि फार्मूला अब कौन सा कन्वर्ट होके आएगा। सपोज कीजिए, जब आप इस सीरीज में ऐसे कह रहे होंगे थ्री प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर, ऐसे फोर टाइम्स करेंगे, फिर फाइव प्लस फाइव करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो समेशन ऑफ एक्स होगा। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जैसे थ्री प्लस थ्री करना है, थ्री प्लस थ्री करना है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया थ्री इंटू टू, इसका मतलब थ्री क्या है, एक्स है, और दो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब ये क्या बन गया, एफ एक्स बन गया। ऐसे ही सेम टाइप चार गुणे चार यहां क्या दिया जाए, या चार धन चार धन चार किया जाए, तब यहां भी क्या है, ये एफ एक्स है, क्योंकि एफ फ्रीक्वेंसी और ये चार क्या है, एक्स है। ऐसे ही अगर ये जोड़ना है फाइव प्लस फाइव, ये फाइव इंटू टू हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये भी बना एफ एक्स बना। इसका मतलब अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए जो नया फार्मूला आएगा, सभी एफ एक्स को निकाल के जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे, तो वो चीज क्या कहलाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स, जितने एफ एक्स थे सबका सम। इसलिए नया फार्मूला अब बन जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। एन क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी का सम आएगा ये एन कहलाएगा, पहले ही हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए जो नया फार्मूला याद रखेंगे मीन के लिए, वो क्या बन गया, समेशन ऑफ
एफ एक्स डिवाइडेड बाई एम। तो अब इस इसको अगर क्वेश्चन को हल करना है क्या करेंगे, एक जगह एफ एक्स एफ कीजिए, अगर आपको टाइम बचाना है तो नीचे ही एक जो है यहाँ एफ एक्स बना के गुणा करते हुए लिख दीजिए, नहीं तो इस तरीके से आप लिखेंगे कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से। फ्रीक्वेंसी क्या है 2, 4, 2, 3, 5, 4 इसके बाद 3, 7। अब एक नया टेबल जो बनेगा वो कौन सा टेबल बनेगा, वो टेबल आपका बन जाएगा एफ इंटू एक्स का। अब क्या हो जाएगा, ये आएगा 6, ये 16, ये 10, गुणा करते जाइए ऐसे 18, 35, 8, 4 जा 32, 27 और ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 70। अब कहने का मतलब है कि इनका टोटल क्या करना है, अब फार्मूला देखिए समेशन ऑफ एफेक्ट्स, इसका मतलब ये एफेक्ट्स है, इसका जब सम करेंगे कि आ जाएगा समेशन ऑफ एफेक्ट्स। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने के बाद इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, सम कीजिए कितना बन जाएगा 12, 20, 27, 7 आ गया, 4, 3 कैरी हो गया, तो 7 + 3 = 10, 12, 12 + 6 = 20, 20 ये आ गया इतना। फिर से ऐड कर लीजिए 12, 18 ठीक है, कितना आ गया 214। अब ऐसे ही फ्रीक्वेंसी का सम कीजिए कि ये समेशन आप एफ कहलाएगा या एन कहलाएगा, तो टोटल इसका सम ऐड कीजिए तो आ जाएगा टोटल 30। तो कई बार फार्मूले में इस तरीके से भी लिख देता है, एन को ही हमने पिछले लेक्चर्स में भी ये बताया है कि कई बार समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ बी फार्मूले में लिख देगा, क्यों, क्योंकि एन वही होता है जो समेशन ऑफ एफ होता है। तो रिजल्ट अब क्या बनेगा, आप रिजल्ट इसके अनुसार रख दीजिए कि एम बराबर कितना, समेशन ऑफ एफ एक्स 214 डिवाइडेड बाई 30 कि क्या बन जाएगा 7.1। इसका मतलब डिस्क्रीट सीरीज जहां भी दी रहे इसी तरीके से हम एक नया टेबल बनाएंगे f इंटू एक्स करते हुए और उसका मीन फिर फार्मूले में रख के निकाल लेंगे। अब बात हम करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की, एक हमने देख लिया कौन सा डिस्क्रीट सीरीज और अगला देखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में जहां क्लास इंटरवल आपको दे दिया जाए, अब इसमें x नहीं है, केवल जो है f दिखाई दे रहा है और क्लास इंटरवल दिखाई दे रहा है, अगर यहां पे x हमको मिल जाए तो हम आसानी से नया टेबल क्या बना लेंगे f इंटू एक्स का, और हमारा यही पुराना फार्मूला काम कर जाएगा जो डिस्क्रीट सीरीज के लिए है, उसी फार्मूले से हम इसका भी आंसर निकाल लेंगे। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा किया था कि मध्य बिंदु x बराबर क्या होता है L1 + L2 / 2, उच्च सीमा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यही क्या होता है मध्य बिंदु कहा जाता है, मिड पॉइंट कहा जाता है या x कहते हैं। इसका मतलब जब 0 + 10 करेंगे और आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ये कितना बनेगा 10 + 20/2 कितना आ जाएगा 15। तो दोस्तों अगर ये एक समान वर्ग अंतराल है तो अगर सब में 10 का अंतर आ रहा है तो क्या करना है, एक वर्ग एक एक्स निकालने के बाद 10 ऐड करते जाइए, जैसे ये आएगा 25, यहां 10 ऐड कीजिए 35, यहां 10 ऐड कीजिए 45, फिर 55 और 65 इस तरीके से आ गया आपका, नहीं तो सबको जोड़िए देखिए 60 + 50 करेंगे / 2 करेंगे 55 आएगा।
अब क्या है नया टेबल एफ इंटू एक्स कीजिए, ये कितना आ जाएगा 15, ये कितना आएगा 30, ये कितना आएगा 100, ये कितना बन जाएगा 245, कर लीजिए मल्टीप्लाई, और ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 225 और ये 110 और ये कितना बन जाएगा 260। अब क्या करना है, अब इसका ऐड कर ली एडिशन कर लीजिए, समेशन आप एफएक्स मिल जाएगा, ये कितना रिजल्ट बन जाएगा 985 बनेगा, और फ्रीक्वेंसी का सम कर लीजिए तो आ जाएगा एन या समेशन आप एफ, दोनों चीजें एक ही है, हमने कहा है कि कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 27। अब क्या करना है, इस फार्मूले में रखिए तो एम बराबर कितना बनेगा 985 डिवाइडेड बाई 27। अब आप इसका भाग कर लीजिए, डिवीजन कर लीजिए तो कितना आ जाएगा ये 36.4, यही इसका क्या आ गया मीन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, डिस्क्रीट सीरीज देख लिया और कंटिन्यूअस सीरीज देख लिया। तो इस तरीके से आपका मीन का टॉपिक खत्म होगा। आगे के लेक्चर में ऐसे ही हम देखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के मीडियन कैसे निकाला जाएगा और मोड कैसे निकाला जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से, इस इन्फो शिक्षा चैनल से कुछ सीख पा रहे हैं तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो हमारा मकसद है ये चैनल बनाने का कि आपको जो है फ्री ऑफ कास्ट बिना कुछ दिए आप कहीं पर भी रह के हमारे चैनल को देख करके जो आपके एग्जाम में सांकी से जो है पूछा जाए वो आपको आसानी से मिलता रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।